नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 15 अगस्त 2022, जो कि हमारे भारत देश का 76th इंडिपेंडेंस डे है। आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के इस सेशन में हम जियोग्राफी और एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीकली करंट अफेयर डिस्कशन का वीकली शेड्यूल और ये हमारा जीएस की लाइव क्लासेस का डेली का शेड्यूल। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट पीसीएस की लाइव क्लासेस चलती हैं। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यूपीएससी की लाइव क्लासेस चलती हैं। आइए देख लेते हैं हम आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे काराकोरम विसंगति, इसका साइंटिस्ट ने पता लगाया, इसको देखेंगे। उष्णकटिबंध क्षेत्र में ओजोन छिद्र, अभी तक आप जानते हो गए ओजोन छिद्र अंटार्कटिका रीजन में ही आता में ही देखा जाता था, लेकिन अब यह उष्णकटिबंध क्षेत्र में भी देखा गया है, इसको डिस्कस करेंगे। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पर। हमारा आज का पहला टॉपिक है काराकोरम विसंगति, इसे इंग्लिश में काराकोरम एनोमली कहते हैं। काराकोरम एक तुर्किश शब्द है जिसमें यह कारा और कोरम से मिलकर बना है। कारा का मतलब है काला से और कोरम का मतलब है मुरुम से। मुरुम आप जानते होंगे, इसे बजरी भी कहते हैं, बड़ी बालू मुरुम। तो तुर्किश लोग जब इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने इसे काली मुरुम का क्षेत्र नाम दिया, जिसे काराकोरम कहने लगे। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस विसंगति का कारण पता लगा लिया। अभी तक पता नहीं था कि काराकोरम क्षेत्र में ये विसंगति क्यों है, उसका कारण पता लगा लिया, इसलिए यह न्यूज में है। अब ये हम देखते हैं कि काराकोरम विसंगति है क्या, उसमें विसंगति क्यों है। आप ये जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व भर के जितने भी ग्लेशियर हैं वो सब पिघल रहे हैं, लेकिन काराकोरम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो ग्लेशियर अवस्थित हैं उनमें वृद्धि हो रही है या वो अपने पहले की जैसी ही स्थिति में अवस्थित हैं। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, हिमालय की अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं या दुनिया की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनद के पीछे के पिघलने या पीछे हटने के विपरीत केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियरों में स्थिरता या असंगत वृद्धि को काराकोरम विसंगति के रूप में जाना जाता है। काराकोरम की अवस्थिति आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। हिमालय को वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है, और एक ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है जिसमें काराकोरम आता है। काराकोरम को जब आप जूम करेंगे तब आपको ये अवस्थिति मिलेगी, ये है काराकोरम का जूम्ड एरिया। इसमें एग्जाम के लिए एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ के ग्लेशियर और नदियाँ। मुख्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं, हिस्पर, बाइफो, बाल्टारो और सियाचिन ग्लेशियर। आप इनको चाहे पूर्व से पश्चिम इनको लगा के याद रखें या आप इसको पश्चिम से पूर्व याद रखें, लेकिन याद रखना मस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है माउंटेन केटू, केटू चोटी है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, ये काराकोरम में ही अवस्थित है केटू, आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब इसकी बाउंड्री बनती है काराकोरम की, हर एरिया की कोई ना कोई बाउंड्री होती है। काराकोरम को कौन लोग कौन कौन सी चीज़ें बाउंड्री बनाती हैं, एक है साक्सगम रिवर, दूसरी रिवर का नाम है हुंजा रिवर, तीसरा है गिलगिट रिवर, इसे ही हुंजा रिवर ही कहते हैं, और साउथ में है इंडस रिवर। ये चारों रिवर मिला के बाउंड्री बनाती हैं काराकोरम क्षेत्र का। इसमें आपको रिवर याद रखना है, ग्लेशियर याद रखना है, ग्लेशियर को ऐसे सिर्फ ग्लेशियर याद नहीं रखना है, ग्लेशियर के सीक्वेंस भी याद रखना है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, और माउंटेन केटू यहीं पे अवस्थित है काराकोरम पे ही। अब इसको देख लेते हैं किसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है। काराकोरम, ये अगर ये काराकोरम क्षेत्र है, मान लेते हैं अगर ये काराकोरम है तो इसका विस्तार क्षेत्र ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन, ये सभी देश में काराकोरम विस्तृत है। काराकोरम श्रेणी ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन में विस्तृत है, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक इसका भी कथन बना सकता है कि काराकोरम श्रेणी विस्तृत है अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत में, दो देशों में ही विस्तृत है।
ये 5 देशों में विस्तृत है, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन। आइए अब देखते हैं विसंगति का कारण क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या रीजन दिया है कि यहाँ पे विसंगति किस कारण से है। विसंगति का कारण देखते हैं, विसंगति का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है उसी से काराकोरम क्षेत्र में वापस जो बर्फ, गर्मी, पूरी गर्मी भर जो बर्फ पिघली होती है, तो ठंडी के समय पर वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा के कारण फिर से जम जाती है। अभी पश्चिमी विक्षोभ क्या है जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, मेडिटेरेनियन सी के क्षेत्र में हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे जो एयर होती है वह मॉइस्चर लेके ऊपर उठती है। हाई टेम्परेचर में एयर हल्की हो जाती है, यह ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठती है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। जब एयर ऊपर उठेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट, जहाँ पे जाने लगेगी एयर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। मान लेते हैं कि मेडिटेरेनियन के नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ का लो प्रेशर है 994, यहाँ का लो प्रेशर है 994, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया 996, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये क्या, इसी दौरान क्या होता है कि ये तिब्बतन प्लाटेव क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो लो प्रेशर इस लो प्रेशर मेडिटेरेनियन के लो प्रेशर से और ज्यादा लो होगा। आप इसको मान लीजिए कि इसका लो प्रेशर होगा 992। तो एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है, तो मेडिटेरेनियन के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट तो हुआ है लेकिन वापस इधर ना आके, क्योंकि इसका 994 है और इसका है 992, तो जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा अधिक होगा उधर ही एयर का मूवमेंट होता है। तो यहाँ की मॉइस्चर्ड एयर जो है तो वो मूव कर देती है हिमालयन क्षेत्र की तरफ। अब हिमालयन क्षेत्र से यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक चली जाती है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में बारिश करती है और एक उत्तरी भारत के क्षेत्र में बारिश के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस की जो एयर आती है उसी से काराकोरम क्षेत्र में, ये जो काराकोरम क्षेत्र है, एक मिनट इसको रफ कर दूं, ये जो काराकोरम क्षेत्र है इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस क्षेत्र में भी वर्षा होती है, जिससे गर्मी भर में जितनी बर्फ पिघली होगी वह आके पुनः जम जाती है। इसी दौरान जम क्यों जाती है बर्फ, इसी दौरान ठंडी हवाएं भी, उत्तरी ठंडी हवाएं भी आती हैं जो कि बारिश की बूंदों को बर्फ में बदलने में कारगर होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है कि अध्ययन से पता चला है कि पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र में मौसमी हिमपात का लगभग 65% हिस्सेदारी करता है, यानी कि इस क्षेत्र में जो भी हिमपात होता है, साल भर में जो हिमपात होता है उसका 65% पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, और जो वहाँ पे वर्षा होती है, मौसमी वर्षा होती है, उसका 53% पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ऐसा साइंटिस्ट इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास एक डेटा है कि पिछले 2 दशकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा की तीव्रता में लगभग 10% में 10% की वृद्धि देखी गई है। उम्मीद करता हूँ आप इसका रीजन समझ गए होंगे कि काराकोरम क्षेत्र में क्यों बारिश होती है। अब हमारा दूसरा अगला टॉपिक है उष्ण कटिबंध के ऊपर ओजोन छेद देखा गया है। ओजोन छिद्र, आप ये जो ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं है कि ये ओजोन की ये परतें हैं इसमें ऐसे होल हो गया, ऐसा नहीं। ओजोन छिद्र है कि इसकी परतों की जो चौड़ाई है उसका घट जाना। मान लेते हैं कि इसको डॉब्सन यूनिट में काउंट करते हैं ओजोन क्षेत्र को, डॉब्सन में, तो मान लेते हैं कि अगर इसका अभी 250 डॉब्सन है, इसकी चौड़ाई 250 डॉब्सन है, ओजोन परत की चौड़ाई 250 डॉब्सन है, अब ये जब 220 से नीचे हो जाएगी, इसकी चौड़ाई ओजोन परत की जो चौड़ाई है वो 220 से नीचे हो जाएगी, तब हम उसको ओजोन छिद्र के रूप में, चौड़ाई नहीं, ये इसकी जो गहराई है वह 220 से डॉब्सन से नीचे हो जाएगी तब हम इसको ओजोन छिद्र कहते हैं, या कि ओजोन डिप्लीशन ऑफ ओजोन कहते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी तक आप ये जानते होंगे कि ओजोन छिद्र अंटार्कटिका रीजन में ही पाया जाता है। ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये है अंटार्कटिका रीजन। इधर आपको ओजोन छिद्र की हमेशा खबर मिलती रहेगी कि ओजोन छिद्र बढ़ रहा है, घट रहा है,
लेकिन अभी साइंटिस्ट लोगों को पता चला है कि यह उष्ण कटिबंध के निचले समताप मंडल में एक बड़े और सभी मौसमों में सक्रिय ओजोन छिद्र पाया गया है। इसमें दो टर्म आते हैं, ये एक बड़ा और सभी मौसमों में सक्रिय। सभी मौसमों में सक्रिय मतलब वह ओजोन का डिप्लीशन, अभी आपको एग्जांपल दिया, मान लेते हैं ये ओजोन की चौड़ाई इतनी थी, अब ये चौड़ाई है 300 डॉप्सन यूनिट, अब इसका डिप्लीशन हो गया है 200 डॉप्सन यूनिट में। इसका डिप्लीशन डॉप्सन यूनिट आप समझिए कि इसकी चौड़ाई की मापक है, कि इसकी गहराई कितनी है वो है मापते हैं डॉप्सन यूनिट में। तो इसकी चौड़ाई अब रह गई 200 डॉप्सन। अब क्या होगा कि अगला मौसम आते आते, जैसे ठंडी के मौसम में जनरली ये घट जाती है ओजोन छिद्र की जो चौड़ाई है या कि उसकी गहराई है वो घट जाती है ठंडी के मौसम में जनरली। तो इसमें क्या होगा कि अगला मौसम आते आते वह रिकवर कर जाती है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा डिप्लीशन हो जाए कि एक जो मौसम का जो साइकिल होता है उसमें यह अपनी पूर्व की आकृति को पार को ना प्राप्त कर पाए, तो वह सभी मौसमों में सक्रिय रहेगा, सभी मौसमों में ओजोन लेयर पतली रही आएगी, उसे ही इसीलिए इसको कहते हैं कि सभी मौसमों में सक्रिय। और एक बड़ा, बड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अंटार्कटिका क्षेत्र में पाए जाने वाले ओजोन के क्षेत्रफल से लगभग 7 गुना बड़ा है। कौन? जो ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन कैसे कहते हैं, ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इस क्षेत्र में लगभग इतना बड़ा ओजोन छिद्र का या कि ओजोन डिप्लीशन का देखा गया है, किसको? ओजोन को। अब ओजोन बनती कैसे इसको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके लिए मतलब ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन कौन से रसायन जिम्मेदार हैं इनको देखे चलते हैं। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा, अगर ओजोन पूछेगा तो उसके लिए रसायन भी एक ना एक उसमें कथन बना के देता है कि ओजोन के लिए जिम्मेदार रसायन है, ये जिम्मेदार रसायन है क्लोरीन और ब्रोमीन, ये याद रखिएगा, क्लोरीन ब्रोमीन CFC तो आप जानते ही हैं, हेलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी याद रखिएगा, हेलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन ब्रोमीन और CFC एक्चुअली क्लोरीन और ब्रोमीन में ही टूट जाती है, लेकिन आपको ये चारों याद रखना है, क्लोरीन ब्रोमीन CFC हेलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये CFC ये ओजोन के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं ओजोन बनती कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल में वितरित है समान रूप से हर जगह, लेकिन ये एक ऐसा एरिया आता है ये कि ताप और टेम्परेचर और प्रेशर की ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे सूर्य का तप मिलते ही ऑक्सीजन टूट जाता है, ऑक्सीजन ओ मॉलिक्यूल में मोनो ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। अब यहाँ पे अन्य ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो ये मोनो ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्रिया करके ये बना लेते हैं O3, इसे ही हम ओजोन कहते हैं। और यह घटना कहाँ पे होती है, यह 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर एरिया के बीच में देखी जाती है। एक अच्छा सा डायग्राम मिला तो हम इसको इसमें ऐड कर लिए हैं, आप इसको देखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊंचाई पे बढ़ने पे प्रेशर कैसे बढ़ता है या घटता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ता घटता है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है टेम्परेचर का जोन और ये है प्रेशर का जोन और ये हमारा एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऊंचाई पे बढ़ने पे, ये 1 किलोमीटर यहाँ पे 10,000 ये मीटर में लिया है, ये 1 किलोमीटर है, सॉरी 1 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर हाइट है, सॉरी 10 किलोमीटर हाइट, 20-30 ये ऐसे हाइट है। आप जैसे ही ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर तक टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर अभी 20 डिग्री था, अर्थ सरफेस है आपकी, अर्थ सरफेस पे अभी लगभग एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20 मान के चलते हैं, 20 डिग्री टेम्परेचर है, ये लगातार घट रहा है, यहाँ तक ये लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह गिर जाता है ऊंचाई पे बढ़ने पे। लेकिन एक ऐसा स्थिति आती है जिसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं, ट्रोपोपोज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज और मेजोपोज आप जहाँ पे देखेंगे पॉस, यहाँ पे टेम्परेचर का बढ़ना पॉस हो जाता है, इसीलिए इसको ट्रोपोपोज कहते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे यानी 18 किलोमीटर से ऊपर जैसे ही आप बढ़ने लगेंगे तो एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसके बाद फिर स्ट्रेटोपोज में
स्थिर हो जाएगा, उसके बाद फिर से टेम्परेचर घटता है 80,000 किलोमीटर तक, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है जहां तक आप ऊपर जाएंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। और एक प्रेशर का होता है, प्रेशर को आप कैसे समझेंगे कि प्रेशर जब आप अर्थ सरफेस पे होते हैं तो प्रेशर ऐसा नहीं कि जीरो तो होता नहीं अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस यानी कि समुद्र लेवल आप लेते हैं, समुद्र लेवल पे प्रेशर एक एटमॉस्फियर होता है, यहाँ पे प्रेशर पे जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो घटता जाता है घटता जाता है घटता जाता है प्रेशर, प्रेशर की ये है प्रेशर का आपका ये है यूनिट, आप इसको याद रखिए ऊपर वाला है प्रेशर, तो एक एटमॉस्फियर होता है प्रेशर समुद्र सरफेस पे, जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपका प्रेशर घटता जाता है, वह प्रेशर जीरो की होता जाता है। जीरो क्यों होता जाता है, क्योंकि ऊपर बढ़ने पे एयर का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। प्रेशर है क्या, एक सेंटीमीटर एक स्क्वायर सेंटीमीटर के बार में कितनी एयर आ रही है, उसका भार कितना है, वही प्रेशर है। अब इसका कंसंट्रेशन घटता जाता है तो ऊपर जाते ही जितना आप ऊपर जाते जाएंगे तो एयर कम होती जाती है, उसकी डेंसिटी कम होगी तो उसका प्रेशर भी कम होता है। इसको आप डायग्राम को मुझे अच्छा लगा इसके लिए इसमें ऐड कर दिया। अभी देखते हैं ओजोन की रक्षा के लिए कौन कौन सी पहल की गई हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, आप इसको याद रखिएगा। एक है वियना अभिसमय 1985 का है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके बाद 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और उसके बाद किगाली समझौता जो कि 2016 में इसको लोगों ने इसको अपनाया, लेकिन ये लागू हुआ 2019 से। वियना मॉन्ट्रियल और किगाली ये तीन समझौते हुए हैं जो कि ओजोन परत की रक्षा के लिए किए गए हैं। ये भी प्री में बना सकता है, कथन दे के बना सकता है कि वियना अभिसमय ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है या नहीं। इसका प्रभाव क्या होगा, यूवी लाइट, अर्थ में यूवी लाइट बढ़ जाएगी जिसके फलस्वरूप कैंसर के केस बहुत होंगे, मोतियाबिंद हो जाएगा लोगों को और उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट एक प्रभाव है। कृषि की उत्पादकता भी घट जाएगी ओजोन लेयर के डिप्लीशन से, जितना ज्यादा डिप्लीशन बढ़ता जाएगा उससे कृषि की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। स्थलीय और जलीय जैव भू रासायनिक चक्रों को भी प्रभावित करेगा। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, जैसे हम और आप ये कार्बन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सब चीजों से बने हैं, जब हमारी आपकी या किसी भी जीव की डेथ हो जाती है तो वह अपने सरल रूपों में फिर से टूट जाते हैं, वही है जैव भू रासायनिक चक्र। लेकिन क्या होगा कि जब ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगी, यूवी रेज बढ़ जाएंगी तो डेथ रेट ज्यादा हो जाएंगी, पौधों की भी डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, इंसान जीवों की भी एनिमल की भी डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, उससे जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होगा। हमारा अगला टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने या कि हाई कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी बिजली की तार हैं उनको भूमिगत किया जाए, जो बिजली की तार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के क्षेत्र से जाती हैं उनको भूमिगत किया जाए, इसको नहीं किया गया, इसके लिए एक फटकार लगाई गई है राज्य सरकारों को, इसलिए यह न्यूज में था। बिजली की तारों को भूमिगत नहीं किया गया है, इससे इनकी संख्या लगातार घट रही है, अब इनकी संख्या 100 से भी कम बची है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या 100 से भी कम है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है, IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में है, इनकी सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या है राजस्थान में, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, नलिया नेशनल पार्क गुजरात, वरोरा नेशनल पार्क महाराष्ट्र, बेल्लारी नेशनल पार्क कर्नाटक। आप इन नेशनल पार्क को भी याद रखिएगा क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में हमेशा रहा ही आता है, इससे संबंधित नेशनल पार्क याद होना आपको जरूरी है। डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, नलिया है गुजरात में, वरोरा महाराष्ट्र में और बेल्लारी कर्नाटक में। इनका पर्यावास इनके मतलब ये इनके रहने के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होती हैं, शुष्क और अर्धशुष्क घास का मैदान हो वहां ये अच्छे से रह सकते हैं, कांटेदार झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र, लंबे घासों से युक्त कृषि भूमि आदि क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त पर्यावास क्षेत्र होते हैं, लेकिन यह सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता, अगर किसी खेत में सिंचाई हो गई होती है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उन क्षेत्र में नहीं जाता, इसको अपने पैर साफ सुथरा रखना पसंद होगा। ये थे हमारे आज के टॉपिक, आज के टॉपिक कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।